अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब उल्टे लटक जाएंगे, सबका दम घुट जाएगा। लगता है मुझे एकास्त्र का यूज करना ही होगा, तभी ये सब रुकेगा। अभिमन्यु एकास्त्र यूज करने का सोच ही रहा था कि तभी मंत्र पढ़ते पढ़ते उसका भी ध्यान भटकने लग जाता है। उसी वक्त एक और अपराजिता के पेड़ के अंदर से लताएं निकलने लगती हैं और वो अभिमन्यु के शरीर से लिपटने लग जाती है। अभिमन्यु भी बाकी सब की तरह अपराजिता के पेड़ से उल्टा लटक जाता है। सभी लोग पेड़ से उल्टे लटक गए थे सिवाय युग और शालिनी के, वो दोनों ही थे जो अभी तक मंत्र का जाप कर रहे थे। उन दोनों का पूरा ध्यान मंत्र पढ़ने के ऊपर था। पेड़ पर ऊपर लटक रहे बाकी के लोगों का दम घुटने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अपराजिता का पेड़ धीरे धीरे उनकी सांसें खींच रहा हो, जिस कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लग गई थी। सभी यहाँ वहाँ हवा में अपने हाथ पैर मारे जा रहे थे, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ रहा था, कोई भी अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहा था। अपराजिता के पेड़ की लताओं की पकड़ काफी मजबूत थी। युग और शालिनी मंत्र पढ़ ही रहे थे कि तभी अपराजिता के पेड़ के तने पर जो मंत्र लिखा हुआ था वो धीरे धीरे अपने आप मिटने लग जाता है, जिसे देखकर शालिनी परेशान होने लग जाती है। शालिनी मन में सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है, ये अक्षर मिट कैसे रहे हैं, अब मैं आगे का मंत्र कैसे पढ़ूं। तने पर के अक्षर मिटने के बाद भी युग मंत्र पढ़ते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बार में ही मंत्र याद हो गया हो, उसे पूरा मंत्र कंठस्थ हो। पर असल में बात तो ये थी कि उसने इतने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करी थी कि उसके कानों में उसी के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजे जा रही थी और वही आवाज को सुनते हुए युग मंत्र दोहराते जा रहा था। युग को तो कोई कठिनाई नहीं हो रही थी मंत्र पढ़ने में, पर शालिनी रुक गई थी क्योंकि तने पर उभरे अक्षर पूरी तरह अदृश्य हो गए थे। शालिनी मन में सोचती है, अब मैं आगे के मंत्र का क्या करूं, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अपना ताज अपने साथ लेकर आना चाहिए था, अगर वो मेरे पास होता तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं, पर वो मैं कैसे लाती, वो तो ग्रे। शालिनी इसके आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसके बदन से भी काली लताएं लिपटने लग जाती हैं और वो भी अगले ही पल अपराजिता के पेड़ से उल्टी लटक जाती है। अब युग को छोड़कर सभी लोग पेड़ से उल्टे लटक रहे थे। सभी के गले में काली लताएं लिपटी हुई थी जो धीरे धीरे उनका दम घोट रही थी, पर युग का उनमें से किसी पर भी ध्यान नहीं था, वो बस मंत्र का जाप करने में लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भनक ही ना हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। युग दो बार मंत्रों का जाप पूर्ण कर चुका था, अब बस एक आखिरी बार बचा हुआ था। युग ने अभी आखिरी बार मंत्र को पढ़ना शुरू ही किया था कि तभी उसके दोस्त लोग जो पेड़ से उल्टे लटके हुए थे उनके नीचे जमीन पर अपने आप गोल गड्ढे होने लग जाते हैं और उन गड्ढों में अंगारे दहकने लग जाते हैं। उन अंगारों की आंच इतनी तेज थी कि सभी का बदन तपने लग गया था। एक पल के लिए उन अंगारों को देखकर युग का ध्यान भी भटक गया था, वो मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया था। उसी वक्त अपराजिता के पेड़ से दो जड़ें निकलती हैं और सांप की तरह रेंगते हुए युग के पास जाने लग जाती हैं। उन काली मोटी जड़ों को देखकर युग वापस से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। पेड़ पर लटक रहे बाकी लोग नीचे आने लग जाते हैं, वो उन गर्म दहकते हुए अंगारों में धीरे धीरे गिरने लग गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मोटी काली लताएं उन्हें अंगारों में डालने वाली हो। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। चार्ली डरते हुए कहता है, कुछ कीजिए सर, कुछ कीजिए वरना हम सब मर जाएंगे। चटर्जी भी अपने गले में लिपटी हुई उन लताओं को हटाने की कोशिश कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था। शालिनी उन लताओं को रोकने के लिए अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करने लग जाती है, पर उसके मंत्रों का भी उन लताओं पर कुछ असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो लताएं खुद दैवीय थी जो एक प्रकार से दैवीय द्वार की रक्षा कर रही थी। उस द्वार तक वही पहुंच सकता था जिसके मन में आस्था हो, प्रेम हो, और युग के मन में यामिनी के लिए प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। डायना और कछुआ भी मंत्र पढ़ते हैं पर उनके मंत्रों का भी उन लताओं पर कुछ असर नहीं हो रहा था। अपराजिता के पेड़ से जो काली लताएं निकली थीं वो सीधे जाती हैं और युग के दोनों हाथों को पकड़ लेती हैं, पर युग मंत्र पढ़ना जारी रखता है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर रखे हुए थे और वो दोनों लताएं युग के जुड़े हाथों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। दो बार मंत्र पूरा हो जाने के कारण वो जड़ें युग के गले तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि वो प्रक्रिया के काफी आगे निकल गया था। युग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी मंत्र कंप्लीट करने में। उसके कंधों से खून निकलने लग गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके कंधे उसके शरीर से अलग हो रहे हो, पर फिर भी वो पूरे मन से मंत्र का जाप करने में लगा हुआ था क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर अपनी यामिनी का शरीर ढूंढना था, उसे उससे मिलना था। कहते हैं प्यार में लोग पागल हो जाते हैं और वही पागलपन का भूत इस वक्त युग पर सवार था। युग के सामने ही उसके दोस्त अंगारों में गिरने वाले थे जो अपनी जान बचाने के लिए चीखे जा रहे थे, पर युग पर उनकी चीखों का कुछ असर नहीं हो रहा था।
वो जरा भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था उनको बचाने के लिए। उसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसे अपने दोस्तों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। इस वक्त उसका सिर्फ एक मकसद था और वो था यामिनी का शरीर ढूंढना जो झरने के पास था। युग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मतलबी हो गया हो और वही मतलबीपन अभिमन्यु अंगार में गिरते वक्त भी युग की आंखों में देख रहा था। युग के सभी दोस्त एक साथ अंगार में गिरने ही वाले थे कि तभी युग मंत्र की लास्ट लाइन पढ़ देता है। जैसे ही वो मंत्र की लास्ट लाइन पढ़कर खत्म करता है वो अंगार के गड्ढे जो जमीन पर बने थे अपने आप गायब हो जाते हैं। सिर्फ अंगार ही नहीं, जिन काली लताओं ने उन्हें उल्टा लटका कर रखा हुआ था वो लताएं भी गायब हो जाती हैं। वो सभी जमीन पर आ जाते हैं। अपराजिता का पेड़ भी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था, उसमें फिर से सफेद फूल आ गए थे। कोई बोल ही नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले सभी अपनी जान बचाने के लिए चीख चिल्ला रहे थे। और जिन दो लताओं ने युग के हाथ पकड़कर रखे हुए थे वो भी गायब हो गई थी। युग अपने दोस्तों से हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, तुम सब ठीक हो ना? अभिमन्यु युग को गुस्से से घूरते हुए कहता है, हाँ ठीक है। युग, तूने कोई कसर थोड़ी छोड़ी थी हमें मारने में? डायना मन में सोचने लग जाती है, ये अभी को क्या हो गया अचानक से? ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है युग से? युग अभिमन्यु की बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि इस वक्त उसे किसी और चीज की पड़ी थी। युग अपने आसपास झरना देखने में ही लगा हुआ था। शालिनी भी अपने आसपास देखते हुए कहती है, झरना कहाँ है? झरना कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? युग हैरानी के साथ कहता है, उसे तो यहीं पर होना चाहिए था, फिर अब दिख क्यों नहीं रहा? सब कुछ तो कर लिया। कछुआ कहता है, युग तूने पूरे 3 बार ही मंत्र पढ़ा था ना? युग झट से कहता है, हाँ कछुए 3 बार ही पढ़ा था, तभी तो तुम लोग जिंदा बच पाए हो। सब लोग अपने आसपास झरना ढूंढ ही रहे थे कि तभी युग को कुछ सुनाई देने लग जाता है। वो उस आवाज को गौर से सुनते हुए अपने दोस्तों से कहता है, तुम लोगों ने सुना? चटर्जी तुरंत पूछता है, क्या? युग जवाब देता है, ओम की आवाज। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? ओम की आवाज? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ डायना, ओम की आवाज, गौर से सुनो। डायना उस आवाज को गौर से सुनने लग जाती है और सिर्फ उसे ही नहीं बाकी सबको भी ओम की आवाज सुनाई देने लग जाती है। युग ओम की आवाज का पीछा करने लग जाता है और उसके कदम बढ़ाते ही सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़े से तालाब के पास आकर खड़े हो जाते हैं। चटर्जी उस तालाब को देखते हुए कहता है, ये तो वही तालाब है जिससे रात में मैंने अपनी प्यास बुझाई थी, पर अंधेरा था तो मैं इसे अच्छे से देख नहीं पाया था। मुझे नहीं लगा था ये तालाब इतना बड़ा होगा। चटर्जी के सामने एक बहुत बड़ा तालाब था जो बहुत दूर तक फैला हुआ था। कायर बड़बड़ाता है, वो सब तो ठीक है, पर ये झरना कहाँ है? झरना तो मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। युग, तुझे दिख रहा है क्या? युग कहता है, नहीं मुझे भी नहीं दिख रहा। शालिनी हैरानी के साथ कहती है, फिर झरना कहाँ है? ओम की आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही है, उस हिसाब से तो झरना फिर यहीं कहीं होना चाहिए था। युग के मन में ना जाने क्या आता है, वो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने के बाद भी उसे झरने की आवाज सुनाई दे रही थी, उसी के साथ उस मंत्र की भी जिसे वो दोहरा रहा था। युग सच्चे मन से महादेव को याद करता है और जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो देखता है कि तालाब के अंदर से एक सफेद शिवलिंग अपने आप बाहर निकल रहा था। वो शिवलिंग करीब 10 फीट ऊंचा था। उस शिवलिंग को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। शिवलिंग को देखते ही सभी के हाथ अपने आप जुड़ गए थे, जैसे कोई चमत्कारिक शक्ति उनके आसपास हो। देखते ही देखते वहां पर मौजूद सभी लोगों को शिवलिंग के पीछे बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवलिंग के कारण ही दिख रहे हो। युग और उसके दोस्त शिवलिंग को एकटक नजर से देख ही रहे थे कि तभी पहाड़ पर से धीमी रफ्तार में झरना बहने लग जाता है। जैसे ही झरने की धारा शिवलिंग पर गिरती है उसमें से ओम आवाज निकलने लग जाती है। झरने की धारा शिवलिंग पर सतत गिरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद अपने जल से महादेव का अभिषेक कर रही हो। ये सब देखकर युग और उसके सभी दोस्त मंत्रमुग्ध रह गए थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तालाब के बीचों बीच एक लकड़ी का पुल बना हुआ था जो एक छोर से सीधे शिवलिंग के पास ले जाता था। कछुआ अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, ये जगह तो बिल्कुल वैसी है जैसी युग ने पेंटिंग में बनाई थी, वही शिवलिंग वही झरना। कायर कहता है, मतलब युग सच बोल रहा था, हम ही गलत थे, ऐसी जगह सच में है। चमत्कारिक शिवलिंग और झरने को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। चटर्जी युग से कहता है, युग झरना मिल गया, तूने कहा था अगर हमें झरना मिल जाएगा तो मेरे सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। अब बता युग, वो काला साया किसका है?
यू खोए हुए अंदाज में बड़बड़ाता है। यामिनी, यामिनी, चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है। फिर यामिनी, रात से देख रहा हूँ युग, मैं तुम्हें, तुम्हारे हर सवाल का जवाब यामिनी ही होता है। आखिर ये यामिनी है कौन? युग चार्ली के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही कछुआ अपनी आंखें बड़ी करते हुए हैरानी के साथ युग से पूछता है, युग क्या कहा तूने? वो काला साया यामिनी का है? अगर वो काला साया यामिनी का था तो तूने हमें अभी तक बताया क्यों नहीं था? युग तुरंत पलट कर जवाब देता है, नहीं कछुआ, वो काला साया यामिनी का नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि यामिनी ने कहा था कि अगर मैं झरना ढूंढ लूं तो। युग इसके आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे उसका बिसाहा याद आ जाता है, और बिसाहा के नियम के अनुसार वो अपनी बिसाहा किसी को नहीं बता सकता था, वरना उसी वक्त उसकी मौत हो जाती। युग बात को घुमाते हुए चटर्जी से कहता है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब यामिनी देने वाली थी, हमें उसे ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं आसपास ही होगी। चटर्जी परेशान होते हुए कहता है, पर ये यामिनी है कौन युग? युग कुछ बोलता उससे पहले ही कायर फटाक से बोल पड़ता है, यामिनी ही तो यक्षिणी है। चार्ली डर कर हकलाते हुए कहता है, क्या यक्षिणी वो डायन? युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, डायन नहीं देवी, यक्षिणी एक देवी है। चार्ली चटर्जी से कहता है, मैंने कहा था ना सर, ये युग बिल्कुल अपने बाप अनुराग पर गया है, वो भी यक्षिणी को देवी ही बोलता था, और देखिए ये भी यक्षिणी को देवी ही बोल रहा है। अब इन दोनों को कोई कैसे समझाए यक्षिणी कोई देवी नहीं डायन है, डायन जो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती है। युग गुस्से के साथ कहता है, ये सब वो अपनी खुशी से नहीं बल्कि अपने अभिशाप के कारण करती है। चार्ली हंसते हुए कहता है, अब ये सब वो अपने अभिशाप के कारण करती है या फिर अपनी खुशी से, ये तो वही जानती है। और युग तू भी एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले, यक्षिणी कोई देवी नहीं बल्कि डायन है, समझा? युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मैंने कहा ना यक्षिणी डायन नहीं देवी है, उसे डायन बोलना बंद करो चार्ली। चार्ली कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी चटर्जी बोल पड़ता है, चार्ली तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे और मुझे युग से बात करने दोगे? चार्ली एकदम चुप हो जाता है। डायना नोटिस करती है कि जब से वो सब झरने के पास आए थे, शालिनी अपने में ही खोई हुई थी। उसके हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ ढूंढ रही थी। शालिनी तालाब के आसपास ही अपनी नजरें घुमाए जा रही थी। शालिनी मन में सोचती है, ये युग बाबू और चार्ली तो झगड़ा करने पर तुले हुए हैं, अब मैं इन सबसे पीछा छुड़ाकर अपना शरीर कैसे ढूंढूं?